हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इमिरेट्स डी टेन सीरीज के जो नेक्स्ट मैच आज खेला जाएगा रात 9 बजे अजमान वर्सेस शारजा के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ, जैसे कि कौन से खिलाड़ी दोस्तों इस मैच के अंदर आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजमान की टीम ने 11 मैचेस खेल चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज के अंदर खेले गए मैचेस में कौन से खिलाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग ऑर्डर क्या रहा है और किसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ले सकते हैं इस मैच के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा भाइयों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ जो बेल आइकन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सिलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा भाइयों आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है दोस्तों, तो वीडियो को एक बार लाइक करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी दोस्तों, फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जैसे ही मोर के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस प्रकार शो हो जाएगा। ये जो टॉप में आप लिंक देख रहे हैं दोस्तों, ये मेन चैनल का लिंक है। आफ्टर टॉस अगर कोई भी चेंजेस होगा तो फिर फाइनल टीम आपको यहीं पे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। आने वाले और भी मैचेस में वीडियो प्लस टीम आपको यहीं पे मिलेगा, तो एक बार ज्वाइन कर लेना है। बाकी नीचे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बैकअप चैनल का लिंक है। तो चलिए अब रिकॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं तो 9 बजे ये मैच होगा दोस्तों, मलिक क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला होने वाला है। यहाँ का पिच कंडीशन की बात करते हैं तो हाई स्कोरिंग पिच है भाइयों, और लगभग लगभग इस ग्राउंड पे मतलब आपको यहाँ पे 100 रन 120 के आसपास एक एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। देखो, अजमान के जो टीम है 11 मैच इस टीम ने खेला है, 4 मैच जीता है और 7 मैच लॉस करते हुए आए हैं। लेकिन वही शारजा के टीम की रिकॉर्ड्स देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो शारजा के टीम ने 11 मैचेस खेला है दोस्तों, जिसमें से 5 मैच जीता है और 6 मैच लॉस करते हुए आए हैं। चलिए अब बैटिंग ऑर्डर को सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे अजमान के टीम सबसे पहले यहाँ पे सागर कल्याण टीम के ये ओपनर बल्लेबाज हैं, ठीक है, और 11 मैच के अंदर अभी तक ये 303 रन बना चुके हैं। जहाँ पे T10 फॉर्मेट में देखोगे तो 8 मैच के अंदर 97 रन के करियर का रिकॉर्ड है और T20 में 16 मैच के अंदर 292 रन बनाया हुआ है। दोस्तों, बॉलिंग बहुत रेयर करते हैं और इस रेंज के अंदर कर भी नहीं रहे, ठीक है, तो इनको आप एज ए ओपनर बैट्समैन ही ट्राई करना, बढ़िया प्लेयर हैं। बाकी अब्दुल शकूर, ये भी टीम के टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, 11 मैच के अंदर 222 रन स्कोर किया हुआ है। T10 T20 दोनों ही फॉर्मेट का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। राहुल चोपड़ा जो कि दोस्तों यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट राउंड का बैट्समैन है, 10 मैच के अंदर 116 रन इन्होंने बनाया हुआ है अभी तक, और T10 T20 फॉर्मेट का रिकॉर्ड इनके नाम भी काफ़ी बेहतर है, तो इनको भी अपने टीम के अंदर जरूर से जरूर लेना है, ठीक है। अंकुर सगवान 11 मैच के अंदर 6 रन बना के 6 विकेट निकाला हुआ है। मोहम्मद उस्मान 9 मैच के अंदर 8 विकेट निकाले दोस्तों, ये आपको 2 ओवर तक बॉलिंग कन्फर्म करते हुए दिख जाएंगे। मोहम्मद अजमाल 6 मैच के अंदर 80 रन बना के 3 विकेट निकाले दोस्तों। यहाँ पे हर्षित कौशिक का रिकॉर्ड जो कि 10 मैच के अंदर 94 रन बना के 4 विकेट निकाले हैं, ये भी टीम के दोस्तों टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, गेंदबाजी भी आपको करते हुए दिख जाएंगे, तो इनको भी अपने टीम के अंदर जरूर ट्राई करना है। शेरी शाम इनको ड्रॉप करने वाले हैं फिलहाल, क्योंकि इनसे बेटर खिलाड़ी आगे आपको मिलेगा। मोहम्मद समीर 7 मैच के अंदर 50 रन बना के 4 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं। सिराज अहमद 9 मैच के अंदर 16 रन बना के 8 विकेट निकाला हुआ है दोस्तों, ये भी खिलाड़ी बहुत बढ़िया है दोस्तों, खास करके एज ए बॉलर देखोगे तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। नासिर अजीज का रिकॉर्ड 5 मैच के अंदर 12 रन बना के 3 विकेट निकाला हुआ है। बाकी यहाँ पे दोस्तों आयमान अहमद जो कि 8 मैच के अंदर 20 रन बना के 5 विकेट निकाले दोस्तों, ये भी गेंदबाजी 2 ओवर तक करते हुए दिख जाएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बाकी अब्दुल मलिक का रिकॉर्ड 7 मैच के अंदर 62 रन है। जोहेद गुजर को ड्रॉप करेंगे, फैजल बैंक को भी ड्रॉप करने वाले हैं, दोनों का रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं। अब स्टार्टिंग ओवर पे देखेंगे अंगूर सगवान, मोहम्मद उस्मान, ये दोनों गेंदबाज आपको स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों। बाकी डेथ ओवर पे देखेंगे तो अंगूर सगवान और मोहम्मद समीर, ये दो गेंदबाज फिर आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अब स्टार्टिंग ओवर पे देखोगे अदनान अतीफ, लवप्रीत भजवा, अदनान उल मलिक, यमुल और फैजल बैंग, जोब गुजर या फिर सकी मानसा, ये सारे प्लेयर आज आपको बेंचेस में दिखने वाले हैं। तो ये एज यहाँ पे अजमान का लगभग सेम बैटिंग ऑर्डर रहेगा इस मैच के अंदर दोस्तों, फॉर्म भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन शारजा के टीम की तरफ से खालिद शाह टीम के ये ओपन करते हुए दिख जाएंगे और इस सीरीज के अंदर दोस्तों
इन्होंने 10 मैचेस खेला हुआ है जहां पे 53 रन बना के 2 विकेट इन्होंने निकाला हुआ है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफ़ी बेहतर रिकॉर्ड है भाइयों, इनको अपने टीम के अंदर जरूर ट्राई करेंगे। बाकी उस्मान खान 11 मैच के अंदर 235 रन बनाया हुआ है दोस्तों, ये भी टीम के बहुत बढ़िया प्लेयर है। बाकी फयाज़ अहमद 10 मैच के अंदर 87 रन स्कोर किया हुआ है, इनको ड्रॉप करना है, फिलहाल इनका फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा है। बाकी हसन शकील का रिकॉर्ड देखते हैं तो 11 मैच के अंदर 182 रन बनाया हुआ है दोस्तों। T20 फॉर्मेट का उतना अच्छा इनका करियर रहा नहीं है, लेकिन इस सीरीज के अंदर बढ़िया खेले अभी तक। बाकी मोहम्मद नदीम 9 मैच के अंदर 108 रन बना के 6 विकेट निकाला हुआ है। कमर अवान 3 मैच के अंदर 27 रन स्कोर किया, इनको ड्रॉप करेंगे। मोहम्मद शागिर खान 9 मैच के अंदर 6 रन बना के 3 विकेट निकाला है दोस्तों। मोहम्मद उमर खान जो कि 11 मैच के अंदर 167 रन बना के 6 विकेट निकाले हैं, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए दिख जाएंगे, इनको जरूर ट्राई करेंगे दोस्तों हम लोग। बाकी याशिर खान 6 मैच के अंदर 57 रन स्कोर किया हुआ है। कर्नल जाहिद जो कि 4 मैच के अंदर देखेंगे तो 1 रन बना के 4 विकेट निकाले दोस्तों। बाकी मेतुल्ला खान का रिकॉर्ड 8 मैच के अंदर 3 रन बना के 10 विकेट निकाले, खास करके बॉलिंग सेक्शन में देखोगे दोस्तों ये बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा शारजा के टीम के तरफ से। तैमूर भट्टी का रिकॉर्ड दोस्तों ये देख सकते हैं, पहले मैच के अंदर 1 विकेट था, फिर फ्लॉप रहा था, फिर 1 विकेट, फिर लगातार फ्लॉप रहे, और लास्ट के दोनों मैच के अंदर 1-1 विकेट मिला इनको। बाकी जुनैद शमसुद्दीन का रिकॉर्ड 7 मैच के अंदर 45 रन बना के 2 विकेट निकाला हुआ इन्होंने। जाहिद अली ये पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर यहाँ पे 1 विकेट, और लास्ट के दोनों मैच में ये फ्लॉप रहा है। बाकी दोस्तों इनको ड्रॉप करना है, इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं। मोहम्मद मुदाशिर अली इनको लेते हुए चलना है, ये आपको फिर 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग ओवर पे देखेंगे मितुल्ला खान और मोहम्मद मुदाशिर अली, ये 2 गेंदबाज आपको स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे भाइयों। बाकी डेथ ओवर पे कमर अवान और यहाँ पे जुनैद, यहाँ पे शमसुद्दीन, ये दोनों गेंदबाज फिर आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी के जितने प्लेयर देख रहे हैं दोस्तों ये आपको बेंचेस में दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये देखो अजमान और शारजा का बैटिंग ऑर्डर है भाइयों, और यहाँ पर स्टैट्स देख सकते हैं दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए, रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है। चलिए टीम की ओर आगे बढ़ेंगे, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विकेट कीपर से, यू खान और ए शकुर अब्दुल शकुर, ये दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों बैटिंग विकेट कीपर सेक्शन से। इन दोनों खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर जरूर ट्राई करना है, आपको मैंने बताया भी था बैटिंग से 2 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें से दोस्तों शारजा की टीम की तरफ से ये 2 प्लेयर है, और एस कल्याण को ट्राई करेंगे दोस्तों। ये दोनों खिलाड़ी जो है ना, मतलब बैटिंग सेक्शन से काफ़ी बेहतर है दोस्तों, इन दोनों को जरूर ट्राई करेंगे हम लोग। ऑलराउंडर में दोस्तों 3 ऑलराउंडर को लिया हुआ है, एम नदीम, एस कौशिक और एम अजमाल को लिया हुआ है, लेकिन आपके पास ना एक चॉइस है यहाँ पे, अगर आप मतलब बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे चॉइस है आपके पास इन चारों गेंदबाजों के अतिरिक्त, जिसमें से अजमान के 2 गेंदबाज और शारजा के 2 गेंदबाज हैं। मैंने ओवरऑल 4 खिलाड़ी को लिया हुआ है बॉलिंग सेक्शन से, लेकिन एम मुदाशिर अली ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी टीम प्रीव्यू आप देख सकते हो भाइयों, जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दोनों खिलाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको ये पॉइंट्स देंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी इस टीम को अभी आप सेव कर लो और लाइनअप का वेट करना, अगर 1-2 खिलाड़ी चेंज होगा तो फिर फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़े रहना है दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी भाइयों वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करना, मिलते हैं बहुत जल्द अगला वीडियो में, धन्यवाद।